लाहौर से खबर शामिल करते हैं, जहाँ पर गुज़श्ता रोज़ चर्च ऑफ पाकिस्तान सेंट पीटर स्कूल हॉल में मसीहियों को मौजूदा हालात में दरपेश चैलेंजेस और उनसे निपटने के लिए हिकमत अमली से मुतालिक मशावरती इजलास का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत रायबन डायोसिस के बिशप और चर्च ऑफ पाकिस्तान के मॉडरेटर आजाद मार्शल ने की। इजलास में पेशावर डायोसिस के बिशप हेमफ्री सरफराज पीटर, सियालकोट डायोसिस से बिशप एल्वन जॉन और फैसलाबाद डायोसिस से बिशप अलीम ने खसूसी शिरकत की, जबकि इस इजलास में मसीही वकला, मसीही सहाफियों, पास्टर साहबान और सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इजलास के बाद वहाँ पर मौजूद मुकर्ररीन ने नेशनल न्यूज नामा से गुफ्तगू करते हुए प्रोग्राम के बारे में क्या बताया, आइए जानते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आपकी खिदमत में पादरी अमजद नियामत का सलाम पहुँचे। मेरा ताल्लुक प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान के साथ है और आज मैं बताना चाहता हूं कि चर्च ऑफ पाकिस्तान रायबन डायसिस ने एक बहुत ही अहम तरीन कंसल्टेशन मीटिंग का इनेकाद किया है, जिसमें चर्च इन पाकिस्तान को कैसे मजबूत किया जाए। सो इसमें तमाम शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत फरमाई, जिसमें मीडिया पर्सन थे, वकला थे, पादरी साहबान थे, सहाफ़ी थे और एक्टिविस्ट लोग थे, और उन सब ने अपनी अपनी आरा जो है वो दी है। और ये इस बात पर इतफ़ाक़ किया गया है कि मेन लाइन चर्चेज़ को मजबूत किया जाए और चर्च के जो मसाइल हैं वो पॉलिटिकल लीडरशिप और चर्च लीडरशिप जो है वो मिलकर जो है वो मामलात के हल तलाश करें और पॉलिटिकल लोगों को सपोर्ट किया जाए, पॉलिटिकल लोग जो है वो मेन लाइन चर्च को जो है वो सपोर्ट किया जाए और जो मसाइल हैं उनका मिलकर जो है वो हल तलाश किया जाए। और मैं समझता हूँ कि आज की ये मीटिंग जो है वो यकीनन मुबारकबाद की मुस्तहिक है और बिशप आज़ाद मार्शल साहब जो मॉडरेटर हैं चर्च ऑफ पाकिस्तान के, उनको हम मुबारकबाद पेश करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि हर्ज़ी अकल इस बात से वाकफ़ है कि खुदा ने इस दुनिया में बहुत सारी नेमतों और बरकतों से अपने लोगों को नवाजा है। दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं जिसे खुदा ने कोई ना कोई नेमत ना दी हो, और इस दुनिया में रहते हुए जब हम बात करते हैं अपने पाकिस्तान की, जिसमें हम आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, तो हमारे इस मुल्क पाकिस्तान में हमें कई तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इसलिए सबसे आज की जो अवलीन ज़रूरत है कि वो हमारी रूहानी जो है रहनमाई होनी चाहिए, दूसरी बात समाजी जो है इसमें यूनिटी होनी चाहिए, इतिहाद होना चाहिए, और तीसरी बात जो है हमारा एक दूसरे के साथ डायलाग होना चाहिए, और आखिरी बात और ज़रूरी बात जो है वो एजुकेशन और स्किल की बात है। ये तमाम इदारे जब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे तो कलीसिया में, चर्च में मजहबी जितने भी रहनुमा हैं या सियासी रहनुमा हैं या दीगर कायदीन के लोग हैं, वो अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए और इंसानियत के लिए बरकत का वसीला बनेंगे। आज की सारी मीटिंग का सारा लुबे लबाब ये था कि हम में से हर शख्स अपनी अपनी जिम्मेदारियों और अपने अपने फ़राइज़ को समझे, ताकि हम अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए और अपनी कलीसिया के लिए बेहतर और मुआमन साबित हो सके। थैंक यू। मेरा नाम लाजर अल्लाह रखा एडवोकेट है, साउथ पंजाब से। आज लाहौर में चर्च ऑफ पाकिस्तान की एक कंसल्टेंसी मीटिंग हुई है, जिसमें मुख्तलिफ मौजूदात ज़ेर बहस आई। सीनियर बिशप्स चर्च ऑफ पाकिस्तान की क़्यादत में आज कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की है, और मैंने ज़ाती तौर पर आज फोरम के आगे कानूनी पेचीदगियों और दरपेश मसाइल के हवाले से अपनी बात रखी है कि हमें ये जो मजहबी प्रोसिक्यूशन के ऊपर जो तहफ़ात हैं कि इनको मिसयूज़ को रोकना चाहिए, लिंचिंग को रोकना चाहिए और फ्री एंड फेयर ट्रायल का मौका मिलना चाहिए। जी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खुदा की शुक्रगुजारी है कि खुदा ने कलीसिया पाकिस्तान में, इसका मतलब यह है कि चर्च इन पाकिस्तान, और इसमें किसी भी डिनोमिनेशन की बात नहीं है, सारी डिनोमिनेशन इकट्ठी हैं। खुदा ने बहुत खूबसूरत जहन दिए हैं, मीडिया में भी बहुत खूबसूरत जहन है हमारे पास, लेजिस्लेशन में हमारे लॉयर्स बड़े ज़बरदस्त हैं, हमारे सिविक सोसाइटी वाले बहुत ज़बरदस्त हैं, और इस तरीके से एक सोच रखने वाले लोग हैं। खुदा की शुक्रगुजारी के चर्च पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म में खुदा ने ये तौफीक बख्शी बिशप आज़ाद मार्शल को, जो कि चर्च पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बिशप भी हैं, कि इन सारों को इकट्ठा करके एक थिंक टैंक की सूरत में
एक दूसरे की बातों को समझ सकें और इकट्ठे हाथ पकड़ के आगे बढ़ सकें, क्योंकि जिस तरीके से चर्च ने पाकिस्तान को बनाया है, मैं रिपीट करने लगूं, चर्च ने पाकिस्तान बनाया है और शुरू में चर्च ने पाकिस्तान को निखारा भी है और इसमें और निखार लाने के लिए चर्च ने अपना हिस्सा अदा करना है, क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी मसीही हैं और हमने इसी तरीके से आगे बढ़ना है और हमने अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स का और बरकत का बायस बनना है। और चर्च हर इतवार को हमारे गिरजाघरों में जो इबादत होती हैं उसमें मुल्क के इस्तेकाम के लिए, इसकी सलामती के लिए और इसके अमन के लिए बहुत दुआ होती है। और इसके साथ साथ हम लोग अपनी तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए बड़े शुक्रगुजार हैं, उनके लिए भी हम दुआ करते हैं कि रब्बुल इज़्ज़त उनको अपनी पनाह और मुहाफ़ज़त में रखे। जब मुश्किल हालात में से गुज़रते हैं तो हमें पता है, मेरा ताल्लुक़ केपी से है और केपी में जितने बम धमाके हमने देखे हैं शायद पूरे पाकिस्तान में किसी ने नहीं देखे। इसमें सारी हमारी आर्म फोर्सेस ने बड़ा साथ दिया, उनके लिए भी शुक्रगुजार हैं। तो हम मिलजुल के चाहते हैं कि अपने मुल्क को खूबसूरत बनाएं। आज का फोरम जो हुआ, आज की कंसल्टेशन जो हुई, ये इसी की कड़ी है, ये शुरुआत है और ये इसी तरीके से आगे बढ़ेंगी और आगे चलते हुए हम सब जितने भी हैं पाकिस्तानी अपने मुल्क के लिए और ख़ास कर जो चर्च है, कलीसिया है, अपने मुल्क के लिए हमेशा बरकत का बायस बने रहेगा। खुदा करे हम एक दूसरे का हाथ पकड़ना और एक दूसरे के आंसू पहुंचना सीख लें। खुदा ताला आप सबको बड़ी बरकत दे। शुक्रिया। मैं बिशप साहब का, आज़ाद मार्शल साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज हमें इस कॉन्फ्रेंस में आने की दावत दी। और दरअसल ये कॉन्फ्रेंस जो थी वो इस हवाले से उन्होंने मुनक़द की थी, जो कि बड़ी एक बामानी बात है। यहाँ पे इस बात पे गुफ्तगू की गई शुरुका की तरफ से कि चर्च को पाकिस्तान में स्ट्रेंथन किस तरह दी जा सकती है, लॉयर्स की तरफ से, मीडिया, क्रिश्चियन मीडिया की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से और दुनिया ज़िंदगी के दीगर शोबा हाय ज़िंदगी में से मुतलका लोगों की तरफ से। तो ये एक बहुत पुरमानी और पुरमगज़ गुफ्तगू थी और इसमें बहुत सारे शोबा हाय ज़िंदगी से मुतलक लोगों ने शिरकत की, सहाफ़ी थे, वकला थे, सिविल सोसाइटी के लोग थे और इस तरह के दीगर दानश्वर थे और मजहबी रहनुमा थे। तो मुझे लगता है कि बिशप साहब की ये काविश जो है वो दो मेरी नज़र में दो तरह से बहुत ही अहमियत की हामिल है। नंबर वन तो ये है कि हाँ, ये वक्त आ गया है कि अब हम इकट्ठे होकर, अब मतलब पाकिस्तान की जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो इकट्ठे होकर तो अपने हकूक़ के बारे में, अपने सियासी हकूक़, अपने समाजी हकूक़, अपने माशरती हकूक़, अपने इक्तसादी हकूक़, इनके बारे में सोचें और इकट्ठे होकर जब सोचेंगे तो फिर खुदा के फजल से इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। तो एक तो ये इस सिमत में एक काबिज थी, एक तो ये बात है। दूसरी ये है कि हाँ, ये भी अब मुझे लगता है पाकिस्तान की जो मजहबी एलीट है क्रिश्चियंस की, वो ऐसा समझ रही है कि जब तक इकट्ठे हो के हम अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा नहीं सोचेंगे या उनकी तामीर व तरक्की के लिए अच्छा नहीं सोचेंगे तो वो पाकिस्तान के माशरे के अंदर एक अच्छे शहरी नहीं बन सकेंगे और जब वो अच्छे शहरी नहीं बन सकेंगे तो पाकिस्तान के मुल्क व मिल्लत के लिए वो अच्छा कोई पॉजिटिव किरदार नहीं अदा कर सकेंगे। जबकि पाकिस्तान के मसीहियों का जो माजी में किरदार रहा है वो पाकिस्तान की तामीर व तरक्की के लिए बहुत शानदार और मतलब नाकाबिले बहस किरदार रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है इन मकासद के हसूल के लिए इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस जो हैं इनका इनकार जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं जी नेशनल न्यूज़ चैनल का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज का ये जो इवेंट था, एक बड़ी बैठक हुई जिसमें ये सोच विचार की गई कि फ्यूचर में क्या किया जाए और किस तरह से अपनी कौम और स्पेशली मिनॉरिटीज़ को डेवलप किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये
एक बहुत बड़ा काम जो मॉडरेटर प्रेसिडेंट चर्च ऑफ पाकिस्तान बिशप आज़ाद मार्शल साहब ने किया है, ये ज़रूरत थी इस वक्त की, और बड़े राइट टाइम पे उन्होंने ये महसूस किया कि हमें पब्लिकली भी कुछ चीज़ें करनी चाहिए। और आज उन्होंने ला ऑफिसर्स को, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल और क्लर्जी को जमा किया, और मैं समझता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम कंटिन्यू रहने चाहिए। और मेरे ख्याल से इस प्रोग्राम का जो आफ्टर रिज़ल्ट होगा वो बहुत अच्छा होगा, और फ्यूचर में आप देखेंगे कि इस तरह के प्रोग्राम भी होते हुए आपको नज़र आएंगे। और जो बातें आज हुई हैं, चर्च ने अपना ये कमिटमेंट की है कि अगर कोई ऐसी चीज़ें जो हम से नहीं हो सकें तो वो हम करेंगे। और इसी तरह जो ला ऑफिसर थे या कम्युनिटी की साइड थे, उनका भी बहुत अच्छा रिस्पांस था चर्च के साथ। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी गैदरिंग हुई है, अच्छी मीटिंग हुई है, और इसके फ्यूचर में रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम इमैनुअल परवेज़ है और मैं IMRF के प्लेटफॉर्म से इस प्रोग्राम में शिरकत की है। ये सारी जो बातें हुई हैं बहुत अच्छी बातें हुई हैं। मेरा उस वक्त भी मौक़िफ़ ये था कि हम इनको अमली जामा पहनाएं। अमली जामा तभी पहना सकते हैं जब हम मिलके कोशिश करें। बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारी बातें की हैं। यहाँ हमारे दोस्त आए थे सैमसन सलामत साहब, उन्होंने कहा कि कोई नेशनल काउंसिल होनी चाहिए, क्रिश्चियन काउंसिल, जिसमें हमारे सारे मसाइल आगे बयान किए जाएं और वो फिर आगे हुकूमती लेवल पे बात करें। ये बहुत अच्छी बात की, मैं उनकी इस बात को सेकंड करता हूँ। बल्कि बहुत देर से मैं ये चाहता हूँ कि कोई ऐसा फोरम हो जहाँ पे हमारी आवाज़ जाए और फिर वो आवाज़ आगे असेंबलियों तक, वानों तक पहुँचे। तो मैं इस बात के लिए पूरी उम्मीद हूँ कि जब इंसान कोशिश करता है नेक नियति के साथ तो खुदा ज़रूर मदद करता है। तो मेरा पूरा यकीन है कि हम जब नेक नियति के साथ इस पे काम करेंगे तो खुदा हमारी सुनेगा और हमें कामयाबी मिलेगी। थैंक यू जी। आज के प्रोग्राम से मुतलक जो फीडबैक है, बहुत मुस्बत स्टेप था, बहुत कीमती आरा तमाम शुरका ने अपनी शेयर की, हर मकबा फ़िक्र से लोगों की रिप्रेजेंटेशन थी। और पर्सनली मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो सिलसिला है डिस्कशंस का, डिलिब्रेशंस का इश्यूज़ के ऊपर, ये आगे बढ़ेगा, एक कंसेंसस डेवलप होगा सारे स्टेक होल्डर्स का। और जो ज़रूरत है इस टाइम पे कि पाकिस्तानी क्रिश्चियंस, हम एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी जो है वो लैक करते हैं, जिसकी वजह से नेशनल मेन स्ट्रीम के अंदर हमारी आवाज़ को तरजीह नहीं दी जाती। सो दिस इज़ समथिंग दैट वी नीड टू फोकस ऑन। और ये जो स्टेप लिया गया है रायवन डायसिस की तरफ से, बिशप आज़ाद की तरफ से, ये एक मुस्बत कदम है और इस प्रोसेस को आगे बढ़ना चाहिए। और ये प्रोसेस सिर्फ लाहौर तक नहीं, हर शहर में, हर कस्बे में, जहाँ जहाँ ये हमारी चर्च का नेटवर्क है वहाँ पे उनको इनक्रेज करना चाहिए, लोगों को, अपने जो मेम्बर्स हैं, कि वो इस तरह की ये जितने भी हमारे मसाइल हैं उसके ऊपर अपनी एक तो पहले फीडबैक दें, ताकि उनको इस सारी चीज़ की ओनरशिप हो, इस सारे प्रोसेस की ओनरशिप। जब तक नहीं होगी हम कोई भी स्ट्रैटेजी इवॉल्व नहीं कर सकेंगे। सो आप सबसे भी अपील है कि ज़रूर इस बात की सीरियसनेस को समझें कि जब तक हम लोग, अब वक्त आ गया है कि हम रियलाइज़ करें कि हमारे लैक्स क्या हैं और हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। यूनिटी का एक परसेप्शन जो है कि जी मुतहद होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए, लेकिन एक परसेप्शन भी होती है यूनिटी की, अगर हम उसके ऊपर फोकस करें तो मेरे ख्याल में हम अपने आप को बावर करा सकते हैं रियासत की नज़र में कि हमारी भी अहमियत है और हमारे वोट की अहमियत है। हमारे तमाम मसाइल पॉलिटिकल हैं और इनका पॉलिटिकल सलूशन होना है जो आपके वोट से होगा। सो इन सारे मामलों को हमें अब एक सियासी तनाजुर में देखने की ज़रूरत है, ताकि हम एक चीज इस सारे मामले को बेहतर तौर पर ले कर आगे चल सकें और मुस्बत नतायज जो है वो हासिल हों। शुक्रिया। ये कायदे के लिए खालिद किल के नाम से जाना जाता हूँ। पाकिस्तान में तहरीकी जदोजहद का आगाज़ बचपन से ही किया, अकलियत हकूक के लिए आज भी सरगर्दा हैं। पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और सरबुलंदी के लिए दुनिया भर में पैगाम रसानी करते हैं। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मजलूम तबकों की नुमाइंदगी का बीड़ा उठाया हुआ है। तमाम मजबूर, महकूम और मजलूम लोगों को यकजा करके मुतहद और मुनज़्ज़म और मुतहर्रक करने का इरादा किया हुआ है। इसलिए जीमा ग्रैंड मिनॉरिटी लाइंस की जो आवाज़ है वो तमाम पाकिस्तान के सूबों में, वफाक में,
گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں گونج رہی ہے۔ لوگ اس پر سوچ و فکر رکھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں اتحاد، یگانگت اور متحد منظم ہو کر ایک تحریک چلانے کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہم پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کو برابر کے حقوق دلا سکیں، ان کے اپنے نمائندے چننے کا جو انتظام انسرام ہے یا وہ سسٹم جو ہے اس کو بحال کرا سکیں، جس کے ذریعے ہم اپنے قابل اور اپنی پسند کے اپنی آزاد مرضی سے نمائندے چن سکیں۔ آج کی اس کنسلٹیٹیو میٹنگ کے لیے مشاورتی اجلاس جو بشپ آزاد مارشل اور ان کے رفقا نے کیا ہے، یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس طرح کے پروگرام کا تسلسل آگے بڑھنا چاہیے تاکہ مختلف اذہان کے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوں اور اپنی آرا پیش کریں، تاکہ ایک جگہ پہ وہ تمام مسائل کو جو ہم جن کا سامنا کر رہے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کیا جائے۔ تو ہم نے 21 جولائی کو جو ایک کنسلٹیٹیو میٹنگ کانفرنس کی تھی مائنارٹی پولیٹیکل پارٹیز کی، وہاں پہ ایک چارٹر آف ڈیمانڈ 7 نکاتی ایجنڈا پیش کیا تھا۔ آج کی میٹنگ میں میرا خیال ہے کہ اسی پہ بات ہوئی ہے، تمام لوگ وہ وقت کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کی آواز ہیں، وہ لوگوں کی آواز تھے، ہیں اور آئندہ بھی لوگوں کی آواز ہوں گی۔ تو نیشنل ٹی وی کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ موقع دیا کہ ہم اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا سکیں، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ گزرے ماحول کو تازہ ہواؤں کی ضرورت ہے، پرانے سب در و دیوار کو توڑنا ہوگا، بکھر کے رہ گئی جو اپنی عظمت کی تصویریں، ہمیں اپنے بارے میں بہت کچھ سوچنا ہوگا۔ پاکستان کے 76ویں سال کی یوم آزادی پاکستانی قوم کو بلا تفریق رنگ، نسل اور مذہب، قائد اعظم کے پاکستان میں بسنے والوں کو یہ یوم آزادی مبارک ہو، اس نعرے کے ساتھ کہ یہ ہم سب کا پاکستان ہے، اور اقلیتوں نے یہ نعرہ لگا رکھا ہے کہ اقلیتوں کا نعرہ ہے پاکستان ہمارا ہے، پاکستان زندہ باد۔ جی، آج کی ایک جو کنسلٹریشن میٹنگ تھی، اس کا بنیادی مقصد جو تھا پاکستان میں بسنے والی تمام مذہبی اقلیتیں، خاص طور پہ مسیحیوں کے حوالے سے چرچ آف پاکستان، بلکہ چرچ ان پاکستان نے بشپ آزاد مارشل صاحب نے مدعو کیا، جس میں تمام سٹیک ہولڈر موجود تھے، جس میں صحافی، جس میں لائرز اور کلرجی کے لوگ، سیاسی اور سماجی لوگ۔ اور آج کی اس ساری کنسلٹریشن میٹنگ میں جو گفتگو ہوئی، اس کا حاصل یہ تھا کہ پاکستان میں مل کر تمام سٹیک ہولڈر کو ساتھ لے کر چرچ جو ہے آنے والے وقت میں ایک بہتر پالیسی مرتب کر سکے، اور اس پاس پالیسی کی روشنی میں چیزوں کو بہتر طریقے سے لے کے جا سکے، اور خاص طور پر لیجسلیشن کے حوالے سے، خاص طور پر سماجی اور سیاسی مسائل کے حوالے سے، مذہبی مسائل کے حوالے سے چرچ نے ایک یونائٹڈ پلیٹ فارم کی کوشش کی ہے۔ یہ کوشش ان کی خوش آئین ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کوششیں ہوتی رہنی چاہیے، تاکہ جس سے ملک میں، معاشرے میں لوگوں کی ترقی اور بہتری آ سکے گی، اور خاص طور پہ چرچ کی اس ایفرٹ سے کلیسیا پاکستان ایک بہتر مستقبل کی طرف چل پڑے گی، اور ان کو ایک بہتر ان کی خواہشوں کا تکمیل ہو سکے گی۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں چرچ کی طرف سے خوش آئین ہے، اور ایسی ایکٹیویٹیز سے معاشرے میں، کلیسیا میں، لوگوں میں ایک ایسی رجحان پیدا ہوتا ہے جس سے لوگ اپنے مسائل کی نشاندہی کر سکیں گے، اور انہی مسائل کی روشنی میں آگے کو پالیسی مرتب کی جا سکتی ہیں۔